बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वर्कशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किसी भी टेक्स्ट को इमेज के चारों तरफ अगर आपको लिखना हो तो वो कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करते हैं और ये तस्वीर हमारे पास ओपन है। तो सबसे पहले हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। यहाँ से कोई भी सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से सिंपली इस तरह से इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। ये हमारे पास सिलेक्शन बन गई और अब हम यहाँ से सिलेक्ट में जाएंगे और मॉडिफाई और फिर एक्सपेंड में जाएंगे और यहाँ पर 30 पिक्सल पर एक्सपेंड कर देंगे तो ये हमारे पास ये जो सिलेक्शन है वो एक्सपेंड हो जाएगी। अब हम कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आउटसाइड में सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन करेंगे। अब आप उस एरिया को सिलेक्ट करें जिस एरिया में आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो इस एरिया में मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, उसको सिंपली सिलेक्ट किया तो ये बाहर की सिलेक्शन हमारे पास चली गई। अब हमें इस सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट करना है। सिंपली किसी भी सिलेक्शन टूल पर होते हुए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मेक वर्क पाथ करेंगे तो ये वर्क पाथ में बन जाएगा, या फिर यहाँ से पाथ में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास मेक वर्क पाथ का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक पाथ बन गई। और अब हम यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे और सिंपली इस पाथ के अंदर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ की शक्ल में यहाँ पर आ गया है। और सिंपली यहाँ से टाइप में जाएंगे और पेस्ट लॉरेम करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। इसकी साइज छोटी कर देते हैं। और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे या फिर यहां पर आपने पैराग्राफ पैनल ओपन करना है और यहां से हम इसको जस्टिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसी टेक्स्ट को हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करेंगे और कंट्रोल सी से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से पाथ में यहाँ पर इस वर्क पाथ को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टूल लेंगे और इस पाथ के अंदर हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तस्वीर के आउटसाइड में इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।